हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सीएसआईआर नेट। आज हम नेट की फर्स्ट यूनिट जो कि है बायोकेमिस्ट्री को देखेंगे, जिसमें हमें टॉपिक्स कवर करने हैं एटम, मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्ड। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम पढ़ेंगे एटम को। एटम है क्या? ये एटम आप बेसिक क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि एटम जो है वो एलिमेंट का एक पार्ट होता है, एक यूनिट होती है एलिमेंट की, जिससे मिलके वो एलिमेंट बना हुआ होता है। तो ऐसे 118 एलिमेंट्स हमने 11th और 12th में पढ़े हुए हैं जो कि एटम से मिलके बने हैं। अब बायोलॉजी में या लाइफ साइंसेस में एलिमेंट्स जो यूज होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स, वो 25 to 26 हैं। एंड उनमें से भी हम कॉमन एलिमेंट्स हैं जो जिनका यूज हम रेगुलरली करते रहते हैं, वो यह है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो एटम की बात है तो एटम में हम सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो, उसमें न्यूक्लियस होता है एंड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटोन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो सेंटर में होता है। एंड ऑर्बिटल्स में चारों तरफ जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं उनका मास जो है, एटॉमिक मास है, वो सेम होता है, 1.67 × 10⁻²⁴। एंड जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास होता है 9.1 × 10⁻³⁶ किलोग्राम। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर था। उसके बाद हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम, समझ गए होंगे, एटम में जो प्रोटॉन्स का नंबर होता है, जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। इट मींस अगर एक एटम में 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं तो उसका एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर 6 होगा। जो एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम होता है वही होता है उस एटम का एटॉमिक मास। अब जैसे एक एटम का एटॉमिक नंबर 6 है क्योंकि 6 प्रोटॉन उसमें प्रेजेंट है। अब उसमें न्यूट्रॉन 7 प्रेजेंट है तो न्यूट्रॉन 7 एंड प्रोटॉन 6, 6 + 7 = 13। तो जो 13 होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा एंड जो 6 होगा वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। फिर हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं आइसोटोप्स से, वो मैं आपको आगे करवाऊंगी। पहले हम देखेंगे आइसोटोप्स है क्या। इसे भी आपने बेसिक क्लास में पढ़ा हुआ है। आइसो मींस होता है सेम एंड टॉप्स मतलब होता है पोजीशन, जो सेम पोजीशन पे हो। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास, आइसोटोप्स में यही इसकी डेफिनेशन है कि एटॉमिक नंबर एक ही होगा लेकिन इनके जो मास है, एटॉमिक मास है, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगी, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। ये H1, H2 एंड H3 जो है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स मैंने लिए हैं। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में आप जानते होंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इन सबका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। लेकिन ये आइसोटोप्स कैसे बने जब इनके एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट हुए। एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। मैंने आपको पहले भी बताया एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स का नंबर एंड प्रोटॉन्स का नंबर। तो हम H1 आइसोटोप में देखेंगे एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होने की वजह से इसे हाइड्रोजन कहा जाता है, H1 ये होता है, H1 है। H2 जो है सेकेंड आइसोटोप, उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसमें 2H2 लगा हुआ है क्योंकि इसका जो जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है वो 2 है। तो जब सम होता है वो एटॉमिक मास होता है, तो एटॉमिक मास 2 है क्योंकि 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है एंड 1 न्यूट्रॉन। तो एक एटॉमिक नंबर एंड 2 इसका एटॉमिक मास है। इस टाइप से ये H2 या ड्यूटेरियम आइसोटोप होगा। उसके बाद थर्ड आइसोटोप होगा ट्राइटियम। ट्राइटियम भी इसी टाइप से होगा, प्रोटॉन एक ही होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर एक ही है, प्रोटॉन एक ही प्रेजेंट होगा लेकिन न्यूट्रॉन की जो नंबर है वो चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे,
एक प्रोटॉन हो जाएगा, तो टोटल 3 हो जाएंगे, तो इसका एटॉमिक मास जो होगा वो 3 होगा। इस टाइप से हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर तो एक ही है, लेकिन जो एटॉमिक मास है वो 1 है, 2 है एंड 3 है। और अगर यहाँ पे थर्ड हमने बनाया होता तो उसमें 3 न्यूट्रॉन होते और एक प्रोटॉन होता, तो उसका जो एटॉमिक मास है वो होता H4। इसके बाद हम आइसोटोप से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट्स हम पढ़ के करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। लेट्स रीड। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम डिफरेंट इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम हमने अभी पढ़ा, ये तीनों आइसोटोप्स हाइड्रोजन के हैं, तो उनके प्रोटॉन्स में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रोटॉन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स नहीं होंगे, फिर ये एटॉमिक नंबर है उसका, इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब सेकेंड है, फर्स्टली हम जो ए वाला है स्टेटमेंट वो हमारा गलत है, तो हम सबसे पहले ऑप्शंस में जो ए वाले ऑप्शन है उनको रॉन्ग कट कर देते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व जो है वो इजी हो जाए थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पर ए वाले सभी ऑप्शंस को कट कर दिया। इसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन पढ़ेंगे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम डिफरेंट इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जब न्यूट्रॉन्स का डिफरेंशिएशन होगा इन तीनों में तब ये आइसोटोप्स बनेंगे, तो हमारा नंबर बी का स्टेटमेंट जो है सही है। तो हम बी वाले ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं, सेकेंड नंबर में जो है वो बी प्रेजेंट है, एंड किसी भी ऑब्जेक्ट में बी प्रेजेंट नहीं है, तो जो हमारा आंसर होगा वो सेकेंड होगा, बी डी एंड ई। फिर भी हम अदर स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, सॉरी, बोथ ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम आर रेडियो एक्टिव एंड डिके टू हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम रिस्पेक्टिवली। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब बोथ ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम जब ये रेडियो एक्टिविटी करते हैं तो ये डिके करेंगे हीलियम को, ना कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को। डी, ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव एंड डिकेज टू हीलियम। ये हमारा ऑब्जेक्ट सॉरी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ट्राइटियम हीलियम को ही डिके करता है। कार्बन 14 डिकेज टू नाइट्रोजन 14, ये भी हमारा रेडियो एक्टिविटी से स्टेटमेंट सही है। तो बी डी और ई जो है स्टेटमेंट हमारे सही है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हम एटम्स को खत्म करते हुए हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स के बारे में। तो बॉन्ड होते क्या हैं? आपने बेसिक क्लास में इनको भी पढ़ा होगा कि जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो बीच में उनके बॉन्ड क्रिएट होता है। तो अ फोर्स होल्ड टू एटम्स बाय इट्स एनर्जी कॉल्ड बॉन्ड फॉर स्टेबिलिटी। अपनी अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, ताकि वो स्टेबल रहें, उसे ही बॉन्ड कहते हैं, बीच के फोर्स को। उसके बाद आता है मॉलिक्यूल्स। अभी बॉन्ड्स को हम आगे पढ़ेंगे, फिर आता है मॉलिक्यूल्स। तो मेन हमारे टॉपिक यही है, एटम, बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे, टू और मोर एटम्स, दो या बहुत सारे एटम्स होल्ड ईच अदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। जब दो या दो से बहुत ज्यादा एटम्स जो होते हैं वो बॉन्ड्स के थ्रू, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये बहुत सारे एटम्स हैं जो डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड्स के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा एक सिनेरियो बनाते हैं, तो उसे कहते हैं हम मॉलिक्यूल। फिर एक आता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो मैनी मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अभी तक एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल्स बना, अब मॉलिक्यूल्स से मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो जो आप एग्जांपल्स देख लीजिए, अमीनो एसिड्स जो है वो मॉलिक्यूल है, तो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक लंबी सी चेन बनाते हैं, उस चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन। तो जो प्रोटीन होता है हमारा, वो है हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल। अमीनो एसिड्स इस टाइप की चेन बना लेते हैं, एन से बोलते हैं हम सॉरी मैक्रो मॉलिक्यूल। ये पॉलीमरेज चेन भी हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद हमने बॉन्ड की डेफिनेशन देखी थी, मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हम बॉन्ड के टाइप्स देखेंगे। तो बॉन्ड के टाइप्स में सबसे पहले कितने टाइप्स के होते हैं जानते हैं आप, तीन टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। तो हम यहाँ पे आयनिक बॉन्ड को देख लेंगे। आयनिक बॉन्ड होता क्या है?
बाय डोनेट और रिसीव देयर आयंस फॉर स्टेबिलिटी। दो एटम्स जब अपनी स्टेबिलिटी के लिए आयंस एक दूसरे को देते हैं, किसी के पास कम है किसी के पास ज्यादा है, तो ज्यादा वाले कम को दे देगा, तो इससे हम इस ट्रांसफर को हम कहते हैं। इस ट्रांसफर के थ्रू, जो बॉन्ड के थ्रू ये ट्रांसफर होता है, उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें आयंस का ट्रांसफर हो रहा होता है। अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं सोडियम एंड क्लोरीन को। सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, तो इसका ऑक्टेट जो है, फर्स्ट ऑक्टेट एंड सेकेंड ऑक्टेट जो है वो फुल होता है, लेकिन थर्ड ऑक्टेट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे ही क्लोरीन में इसका फर्स्ट ऑक्टेट फुल होता है, सेकेंड ऑक्टेट भी फुल होता है, बट जो थर्ड ऑक्टेट होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन का मिसिंग होता है। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 287 ऑक्टेट्स में फुल रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिसिंग रहता है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन जो है वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास से ले लेगा, क्योंकि अब ये भी हो सकता था कि क्लोरीन सोडियम से ले ले 7 इलेक्ट्रॉन, बट आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो ज्यादा इजी प्रोसेस होती है एनर्जी बचाने के लिए वही की जाती है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहां ले जाना ज्यादा इजी है। तो सोडियम जो है क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन पास आउट कर देता है, तो जब ये पास आउट होता है तो वहां पे एक बॉन्ड बनता है, एनर्जी का बॉन्ड बनता है, उसे कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से आयन ट्रांसफर हो रहा होता है। तो सोडियम के पास अब सोडियम में गिफ्ट किया है, दिया है, तो उसके पास प्लस आ जाएगा, प्लस मींस डोनेट किया है, तो उसके पास प्लस होगा। एंड क्लोरीन ने जो है वो गेन किया है, तो अब क्लोरीन जो है वो माइनस में चला जाएगा, वो कर्जदार हो गया है बेचारा, ठीक है। तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड भी आपने पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट ट्रांसफर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग नॉट ट्रांसफर। अभी आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था, आयंस ट्रांसफर हो रहे थे, बट इसमें क्या होता है कि दो एटम्स स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करते हैं। अब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, तो 8 एटॉमिक नंबर मींस 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास दो कम पड़ रहे हैं और इस एटम के पास भी दो कम पड़ रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाने की वजह से अब ऑक्सीजन जो है दोनों ही एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है, तो सेम होने की वजह से क्या है, इनमें कोई आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बाय शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या करेंगे, इन ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स से दे देगा, सॉरी इसके दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सेंटर पे आ जाएंगे एंड दूसरे एटम्स के भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर होने के लिए बीच में आ जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो यहाँ पे ये चार इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयरिंग प्लेस पे आ जाएंगे, एंड तब ये शेयरिंग जो होती है वो ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए होते हैं वो कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस टाइप से ये ऑक्सीजन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। सॉरी मैंने यहाँ पे दो एटम्स और बनाने चाहिए थे, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अब इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। फिर हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड देखने के बाद हम पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे। तो अब ये होते क्या है, शायद आपने पढ़े होंगे, व्हेन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन सेंटर एंड देयर इज नो पोल टू शेयर इजीली इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज नेग्लिजिबल। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो जब अपने इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करते हैं
तो उनके इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने पे ये सेंटर पे आ जाते हैं। एंड सेंटर पे आने के बाद यहाँ पे कोई पोल नहीं बनता। पोल का मतलब कुछ बॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर। पोल का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक तरफ प्लस का साइन और एक तरफ माइनस हो। एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस ना होने की वजह से ये नॉन पोलर कहलाते हैं। मैंने आपसे पोलर बोल रही हूँ, सॉरी, कि नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं। तो नॉन पोलर बॉन्ड वो होते हैं जहां पे प्लस एंड माइनस एक एंड पे प्लस ना हो, एक एंड पे माइनस ना हो। ये सिंपली बस ट्रांसफर कर रहे हो, ये शेयर कर रहे हो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वो होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे बिना कुछ किसी चार्ज का बॉन्ड बन रहा है, नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फिर आता है पोलर बॉन्ड। जो पोलर बॉन्ड होता है उसमें उसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे पोलर बॉन्ड में वन एटम अट्रैक्ट अनदर एटम्स इलेक्ट्रॉन। यार मेरा पेन बार बार घूम जाता है। वन एटम अट्रैक्ट अनोदर एटम्स इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ पे मैंने H2O का एग्जाम्पल लिया है, तो जैसे ऑक्सीजन है एंड दो हाइड्रोजन हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, या हाइड्रोजन के हाँ इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी तरफ खींचने लगता है या उनसे छीनने लगता है। वो जबरदस्ती लेता है, मुझे चाहिए उसकी स्टेबिलिटी पूरी होने के लिए, ये जबरदस्ती अपने इलेक्ट्रॉन्स को वापस लेता है। तो जो हाइड्रोजन होते हैं उनमें प्लस चार्ज आ जाता है, एंड जो ऑक्सीजन होती है उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो देयर इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इन वन एटम। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वन एटम में है, एंड जो अनदर एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है कंपेयर ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया या ऑक्सीजन ने छीन लिया उनसे, तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज एंड ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। तो इस तरह का जो बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, वो होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर क्योंकि यहाँ पे एक पोल बन रहा है अब, जिसके थ्रू जो है तो प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। एंड जो नॉन पोलर होता है वहां पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, एंड जो इलेक्ट्रॉन है वह शेयरिंग होती है, ना कि छीने जाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इनसे इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ले रहा है। तो ये हमारा पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बॉन्ड्स के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड विल बी मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक, सी बॉन्ड ओ, सी बॉन्ड सी, सी बॉन्ड एन, या सी बॉन्ड एस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जो सी बॉन्ड ओ है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ की ज्यादा है, एंड जो कार्बन है उसकी कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ पे प्रेजेंट होती है वहाँ का बॉन्ड ब्रेक करना काफी मुश्किल होता है। पर हम अदर्स ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अब जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो तोड़ना बहुत ही इजी है, क्योंकि इनका बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड सॉरी नॉन पोलर बॉन्ड है, एंड इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंट नहीं है। बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना थोड़ा इजी है। कार्बन एंड नाइट्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक करना इजी है, क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग इक्वल है। कार्बन कार्बन एंड कार्बन नाइट्रोजन की इक्वल ही होती है। एंड जो कार्बन एंड सल्फर का जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो सल्फर काफी साइज में बड़ा होता है कार्बन से, तो इनका बॉन्ड भी ब्रेक करना इजी होता है। तो हमारा जो मोस्ट थोड़ा डिफिकल्ट बॉन्ड ब्रेकिंग है वो है सी बॉन्ड ओ का। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको फिर से दोबारा समझा दूंगी।
बट प्लीज मुझे फीडबैक जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड वाटर डिपेंड्स ऑन द इंट्रैक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स, फोर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर डिजॉल्व इन वाटर। इन टर्म ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें हमें ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस सही है, करेक्ट है, जो कि वाटर में डिजॉल्व होने के हिसाब से है। मतलब जो गैसेस दी हुई हैं उनमें सबसे पहले कौन डिजॉल्व होगा, फिर उसके बाद कौन डिजॉल्व होगा, इस तरफ से एक सीक्वेंस दिया हुआ है। तो हमें इन इन सीक्वेंसेस में से एक करेक्ट बताना है। तो फर्स्टली हम देख लेंगे जो अमोनिया का सीक्वेंस है, फर्स्ट ऑप्शन में अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, तो जो NHH अमोनिया है वो है, वो पोलर बॉन्ड्स बनाता है। पोलर बॉन्ड्स का मतलब प्लस चार्ज भी होता है, माइनस चार्ज भी होता है। तो पोलर बॉन्ड्स बनाने की वजह से इनका सॉल्यूबल या ये जल्दी सॉल्यूट मतलब जल्दी घुल जाएंगे वाटर में। अब ऑक्सीजन का देखते हैं, तो ऑक्सीजन जो होता है वो नॉन पोलर बॉन्ड्स बनाता है, एंड जो नॉन पोलर बॉन्ड बनाता है वो सॉल्यूबल नहीं होता। तो हमारा फर्स्ट सीक्वेंस यहीं पे खत्म हो जाएगा, तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को जो कट कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। फिर जो सेकंड ऑप्शन देखेंगे हम, फर्स्ट उसी में ऑक्सीजन आ गया, तो जो ऑक्सीजन जहां पे भी आएगा उसका सीक्वेंस बिगड़ने ही वाला है, उसका सीक्वेंस खराब हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन फर्स्टली सॉल्यूबल होगा ही नहीं। फिर हम देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड को, थर्ड में है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लेकिन कम होती है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन जहां पे आ गया हमारा सीक्वेंस गलत हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होगा ही नहीं। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो भी हमारा कट बचा। अब हमारा फोर्थ वाला, तो हम सबको पता है कि जो बचा होता है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। तो जो अमोनिया है, अमोनिया जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके बाद डिसॉल्व होगा लेकिन कम होगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या पोलर बॉन्ड्स बनाता है, तो वो भी डिसॉल्व होगा लेकिन कम। उसके बाद ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये वाला सीक्वेंस जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, तो हम इसे टिक कर देंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड आई होप आपको वीडियो भी काफी अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा रहने वाला है बॉन्ड्स एटम्स एंड हो गए हैं, उसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।